नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है अलैया बिलावल, जो कि बिलावल थाट से ही उत्पन्न हुआ है। ऑलमोस्ट बिलावल राग जैसा ही है, लेकिन बिलावल राग में जब हम आरोह में मध्यम स्वर को वर्जित करते हैं, थोड़ा सा इसको वक्र करते हैं स्वरों को, और अवरोह में निषाद स्वर शुद्ध और कोमल दोनों निषाद का प्रयोग होता है अलैया बिलावल में। किस तरह से अभी हम गा के देखते हैं। इसका भी वादी स्वर धैवत, संवादी स्वर गंधार है, गायन समय वही प्रातःकाल का प्रथम प्रहर। बिलावल का सीधा सीधा है, इसका अलैया बिलावल का थोड़ा वक्र है। आरोह में मध्यम स्वर वर्जित होने से इसकी जाति बन जाती है शाड़प संपूर्ण। इसका पहले आरोह अवरोह गा लेते हैं। आरोह अवरोह और पकड़। सा रे ग रे ग प ध नि सा सा नि ध प ध नि ध प म ग म ग रे ग प ध नि सा। तो आपने देखा, आरोह में हमने मध्यम स्वर को वर्जित किया और अवरोह में दोनों निषाद का प्रयोग किया, तब ये अलैया बिलावल बन जाता है। आज हम इस पे एक बंदिश करेंगे और थोड़ा सा आलाप और बंदिश के साथ साथ इसका ताने वगैरह हम करेंगे। अब हम आकार में इस आरोह अवरोह को एक बार देख लेते हैं। तो ये था आरोह अवरोह और पकड़। हम छोटा सा आलाप कर लेते हैं। आरोह में जब आप आरोह करते हैं, मतलब नीचे से स्वर जब ऊपर जाते हैं, तब आपको मध्यम स्वर नहीं लगाना, जैसे कि ग म प ऐसे नहीं ले सकते आप। सा ग म प सा रे ग म प ऐसे नहीं ले सकते आप। इसको पा म ग अवरोह के रूप में, जब मध्यम स्वर जिस तरह से अवरोह में आता है वैसे ही आपको लेना है। तो ये आपको आलाप करते हुए, आपको तान करते हुए, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आ
तो ये था छोटा सा एक आला। अब हम बंदिश गा लेते हैं। पहले हम बिना तबले से गाएंगे, उसके बाद तबले के साथ अभ्यास करेंगे। ये जो बंदिश है ये भी तीन ताल में है और नौवीं मात्रा यानी खाली से शुरू हो रहा है। जैसे कि अब हाथ पे दिखाएं हम, तो नौवीं मात्रा हम किसको मानते हैं, इसको। ये पहली मात्रा हो गया, ये नौवीं मात्रा, पहली पांचवी नौवीं और तेरहवीं मात्रा। तो नौवीं मात्रा से हम इसको शुरू करते हैं। पहले मैं स्लो करके गाऊंगी। बले बले जाऊं मधुर सुर गाओ, अब की बेर मेरे कुंवर कन्हैया, नंद ही नाच दिखाओ। बले बले जाऊं मधुर सुर गाओ, तारी दे दे अपने कर के, तारी दे दे अपने कर के, परम प्रीत उपजावो, आन जोंत धुन सुन डर पत कत मो भुज कंठल गावो। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावो। तो ये था बिना तबले के। अब हम तबले से शुरू करते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावो, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावो, अब की बेर मेरे कुंवर कन्हैया, नंद ही नाच दिखावो। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावो, तारी दे दे अपने कर के, तारी दे दे अपने कर के, परम प्रीत उपजावो, आन जोंत धुन सुन डर पत कत मो भुज कंठ लगावो। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावो, बलि बलि जाऊं सरे करे ग प ध प ग प म ग म ग रे सा, बलि बलि जाऊं गरे ग प ध प गरे ग प ध प म गरे सा, बलि बलि जाऊं म बलि बलि जाऊं म, पदनि सदनि द प म प ध प म गरे सा, बलि बलि जाऊं म, धनि सदनि सदनि सनि द प म गरे सा, बलि बलि जाऊं म, सरे सनि धनि द प म प ध प म गरे सा, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावो, तारी दे दे सनि द प ध नि द प ध नि सा द नि सा, तारी दे दे धनि सरे सनि धनि सनि द प ध नि सा, तारी दे दे सरे गरे सरे सनि द प ध नि द प, तारी दे दे अपने कर के, परम प्रीत उपजावो, आन जोंत धुन सुन डर पत कत मो भुज कंठ लगावो। बलि बलि जाऊं म, बलि बलि जाऊं म, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावो।
अब आप इसमें 8 मात्रा की तान कर सकते हैं, 16 मात्रा की तान कर सकते हैं, और छोटा छोटा आलाप 8 मात्रा का, 16 मात्रा का, इस तरह से कर सकते हैं आप। और थोड़ा कोशिश कीजिए, और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। और आप ताने आलाप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, मैंने जो गाया वो भी करिए, और इसके अलावा भी आपसे भी अगर कुछ बनता है तो उसको भी आप बना के गाने की कोशिश कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको अल्लैया बिलावल समझ में आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आरोह में अगर आपने मध्यम स्वर लगा दिया तो फिर वो अल्लैया बिलावल नहीं रहेगा, वो बिलावल राग बन जाएगा। तो मध्यम को वर्जित करना आरोह में, ऐसे सारे गरे का पराने इस तरह से। और तो ये इसका चलन भी है, वक्र चलन है, जो ऐसे इस तरह से इसको गाया जाता है। और अवरोह में जो निषाद स्वर मैंने आपको बताया, सानी दा पा धा नी दा पा, इस तरह से दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको अपने आप भी इसको कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही।